तो कैसे हो बच्चों? आज हम बात करेंगे कि भी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में है कि भी हम स्टार्टिंग से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस टाइप से करनी चाहिए, हमें क्या कोई करना चाहिए, हमें कौन सी बुक प्रिपेयर करनी चाहिए, हमें क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए। तो इसी तरह के काफ़ी डाउट क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर एक ऐसा लेक्चर लेके आइए कि हम कैसे एवरेज से एक स्कॉलर स्टूडेंट बन सकें और 100 स्कोर कर सकें। तो बच्चों के मोस्टली यही कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो व्हाट्सएप पर हमसे मैसेज कर रहे हैं और डाउट कर रहे हैं कि कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और प्रिपरेशन में हमारे पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हुए, और बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, स्पीड नहीं आ रही है। तो ये स्पीड वगैरह, ये इस तरीके से डाउट हैं, इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, उन सभी प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन देखेंगे कि भी आप अगर अभी से स्टार्टिंग कर देते हो अपनी प्रिपरेशन की, और जो भी बच्चे अभी से अपनी प्रिपरेशन के अबाउट सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चा अभी से सीरियस है तो वो स्कोर कर सकता है 100। लेकिन अगर वो सीरियस ही नहीं है, अगर वो सोच ही नहीं रहा है अभी से, अब वो सोच रहा है कि अभी तो काफ़ी टाइम है, मैं प्रिपरेशन कर लूँगा। तो देखो, जब अगर हम लास्ट 3 मंथ्स हमारे पास रहते हैं, लास्ट जो मंथ्स रहते हैं, बच्चे मोस्टली उन्हीं में प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो सिर्फ पासिंग मार्क्स तो लेके आ जाते हैं लेकिन वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो तो आप 100+ भी मैथ्स में लेके आ सकते हो। तो आज हम मैथ्स के अबाउट ही सारी बातें करेंगे कि हमें स्टार्टिंग से क्या करना चाहिए। तो देखो, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, इनको फॉलो अगर आप करोगे सीरियसली, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप 100+ स्कोर कर सकते हो। देखो बच्चों के 95, 96 मीन्स 90+ बच्चे आसानी से स्कोर कर लेते हैं, लेकिन 100 मार्क्स किसी किसी बच्चे के आते हैं। क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है? आते सभी, देखो वो बच्चा जो 90+ स्कोर कर रहा है ना, उसको सभी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस बच्चे की मिस्टेक क्या होती है कि वो 100 नहीं लेके आता, नहीं ला सकता, मतलब नहीं ला पाता। उसकी मिस्टेक क्या होती है कि वो मिस्टेक करता है अपनी कैलकुलेशन में, क्वेश्चन को रीड करने में पेशेंस नहीं रखता है। क्वेश्चंस वो देखा उसने कि कोई क्वेश्चन एमसीक्यू आया, बहुत ही जल्दी से रीड किया उसको और टिक कर दिया, और फिर उसको बाद में रिव्यू ही नहीं किया, उसको बाद में रिव्यू नहीं किया। तो ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने 90 मार्क्स को या फिर अपने 60 मार्क्स को, अगर आपकी प्रिपरेशन या फिर अभी आप एवरेज हो, अभी आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप कैसे एक टॉपर बन सकते हो उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपको मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अब हम करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए हमें स्टार्टिंग से। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप डेली न्यूज़ सुन रहे हो कि भाई टेम्परेचर 50 क्रॉस कर चुका है। तो फिर गर्मी से बचने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए, जो भी हमें बताए जाते हैं कि भाई गर्मी में हमेशा लूज़ क्लोथ्स ही पहने चाहिए, तो लूज़ क्लोथ्स पहने, मतलब और ज़्यादा टाइट क्लोथ्स ना पहने, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही क्लोथ प्रिफर करें, और ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स पहनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बचें, पानी का ध्यान रखें कि भी पानी ज़रूर पिए, और पानी कैसा पिए, मिनरल वाटर्स पिए और सॉल्ट लें वाटर के साथ, जैसे ग्लूकोनडी वगैरह होता है उसी को मिक्स लेकर मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। तो देखो ये सभी बातें हो गई, लेकिन आज जिस टॉपिक के लिए हम आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, कि जब कभी भी आप मैथ्स की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम मैथ्स के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, ओनली फॉर, जैसे आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओनली फॉर मैथ्स के लिए आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है। मीन्स एक अलग से रजिस्टर बना लो एक, ठीक है, चाहे आप रफ रजिस्टर ले रहे हो, ब्लैक पेजेस वाला, वाइट पेजेस वाला, उससे कोई भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक मोटा सा, अच्छा सा, तगड़ा सा रजिस्टर लेना है जिसमें कम से कम 200-250 पेजेस हों, जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कर सके, कंप्लीट ना कवर कवर कर सके तो कम से कम मिनिमम हाफ सिलेबस कवर कर सके, और मिनिमम मीन्स आप टू ऐसे रजिस्टर्स में, दो रजिस्टर्स में पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सको। मीन्स कि जैसे कि आप कोई भी रजिस्टर या फिर कॉपी बनाते हो अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, आप क्या करते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्या मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि भाई कोई भी कॉपी ली,
ठीक है, उसमें 4 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, उसमें किया कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक किया, उसको फेंक दिया, ठीक है, ऐसा होता है उनका। वो क्या करते हैं, एक प्रिपेयर मतलब क्या कह सकते हो, एक वेल प्लान नोटबुक प्रिपेयर नहीं करते, जिसमें क्या हो आपका सभी मटेरियल जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसके अंदर हो, ठीक है। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं सबसे पहले, थे कि वो अच्छे से एक नोटबुक नहीं बनाते जिसमें आपके सभी चैप्टर्स आपने प्रैक्टिस की हो, आपने उनको रिवाइज किया हो, या फिर कह सकते हो कि जब आप क्या करते हो, रीड करते हो किसी भी चैप्टर को, उस टाइम जो रिवीजन आपका चल रहा होता है तो उसमें सभी आपके टॉपिक्स उसमें कवर होने चाहिए। जैसे आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया GST, तो GST के सभी क्वेश्चंस आपने उसमें सोल्व किए होने चाहिए, और सभी क्वेश्चंस सोल्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने सोल्व किया, 4 क्वेश्चन देखे, एक सोल्व कर लिया, आपने वीडियो लेक्चर देखा, सिर्फ एक दो तीन क्वेश्चंस लगाए और आपने सोचा कि भाई ये तो मैं आ गया। अब ऐसा अगर आप करोगे कि आप सभी क्वेश्चन अपने प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है देखो। तो सबसे पहले बात कि भाई आपने एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, तो हमने अगर नोटबुक प्रिपेयर कर ली है तो उसका क्या बेनिफिट होगा देखो। सबसे पहली बात कि अगर उसका हम एक नोटबुक बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं मैथ्स के लिए, तो उसका क्या बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो अगर आपके पास एक नोटबुक है जिसमें आपने अपना सभी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है चैप्टर वाइज, तो उसमें हर एक क्वेश्चन होना चाहिए सोल्व, हर एक क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए आपकी बुक का। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम देने से पहले, या फिर कह सकते हैं एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले जो भी हमें टाइमिंग मिलती है, तो उसमें रिवीजन आप कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे कि आपने बुक अपनी उठाई और बुक के क्वेश्चंस देखे, और सिर्फ बुक के क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, रीड करना है कि भी देखा फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया आता है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रीड किया आता है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे कि भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे अपनी नोटबुक में। अब ऐसा तो है नहीं कि भी एग्ज़ाम के टाइम पे आप नोटबुक उठाओगे मतलब लेक्चर डालोगे और उसका सॉल्यूशन देखोगे, आप एक एक क्वेश्चन का भी अगर सॉल्यूशन देखने लगे ना लेक्चर में तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आपको बुक रिवाइज भी नहीं हो पाएगी, आपकी कंप्लीट बुक आपसे रिवाइज हो नहीं पाएगी बिल्कुल भी। और इसी ये जो नोटबुक आप बनाओगे इसकी हेल्प से आप विद इन अ सेकेंड आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आपने खुद से सोल्व किया होगा, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डाउट में देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, आपको किसी से यहाँ पर डाउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें किस तरीके से करना है, इसको कैसे करना है, क्योंकि जिस टाइम आप उसे कर रहे होते हो तो आप वहाँ पर समझ कर उसको कर रहे होते हो कि हमने खुद से किया है समझ कर। तो आपको अगर आप हमारे लेक्चर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि भी लेक्चर देखना है पहले, आपको किसी भी चैप्टर को देखना है, और फिर उन क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चंस को ही अपनी नोटबुक में अगेन करना है, ठीक है, बिना देखे। तो अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल आपको क्या करना है, अगेन लेक्चर देखना है और फिर उसको करके देखना है। जब तक आपसे क्वेश्चन खुद से ना हो जाए आप समझना कि भी मुझे नहीं आया अभी, मुझे ये करना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, ऐसा मत सोचना कि भाई इसे बाद में कर लेंगे, ये तो ज़्यादा वो है, ये टफ है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर ये मत सोचना बिल्कुल भी, अगर आपको 100 स्कोर करना है, 100 स्कोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, आपको क्वेश्चन भी आता हो, आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से आती हो, स्पीड हो आपको क्वेश्चन करने में, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस भी उस क्वेश्चन पर हो, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा फोकस के साथ उसको कर रहे हो, कंसंट्रेशन आपका उसी पर बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर डिपेंड करती है कि भी आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, ये होता है एक। तो सबसे पहले हमें नोटबुक प्रिपेयर करनी है, ओके, फिर क्या करना है आपको नोटबुक प्रिपेयर करने के बाद सेकंड में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना उसकी कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, भी कैलकुलेशन को कैसे करना है, कैलकुलेशन सिस्टमेटिक होनी चाहिए, कैलकुलेशन सिस्टमेटिक होनी चाहिए, मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड क्या है, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं हुई कि आप एरर कर रहे हो ज़्यादा तो उसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है, तो एरर नहीं होना चाहिए, और एक्यूरेसी मतलब एरर नहीं होना चाहिए, और स्पीड होना चाहिए कि आप कितनी स्पीडली उसको कर रहे हो, आप कर रहे हो एक्यूरेसी आपकी 100% आ रही है, मीन्स आप करेक्ट कर रहे हो 100% कैलकुलेशन, लेकिन टाइम लग रहा है 2 गुना टाइम लग रहा है जितना लगना चाहिए। अब आपको कितने आवर्स मिलते हैं, 2.5 आवर्स मिलते हैं, ठीक है, 2.5 आवर्स मिलते हैं ना ICSE में, CBSE में 3 आवर्स मिलते हैं, तो आपको इस 2.5 आवर्स में कैसे करोगे आप, मैनेज कैसे करोगे। तो जैसे आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा और आप
प्रैक्टिस पेपर लगाकर देखोगे तो आप देखोगे कि आपके क्या रहे कि स्पीड नहीं आ रही होगी, आप कंप्लीट पेपर कर ही नहीं पा रहे होगे 2.5 आवर में, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको कंप्लीट आ गया मतलब सभी क्वेश्चंस आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं है। तो स्पीड को करने के लिए जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं, जैसे हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं क्वेश्चन को सोल्व कराते टाइम, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस के साथ देखना कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी आपको बताते हैं कि भी कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक आपको मोस्टली किन चैप्टर्स में आती है? जैसे मेंसुरेशन वाले चैप्टर्स हैं, जैसे स्पेयर, सिलेंडर, कोन, इस तरह के चैप्टर्स हैं, इनमें मोस्टली प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। GST वगैरह है, बैंकिंग है, ये जो चैप्टर्स हैं हमारे, इनमें आपको प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन की मिस्टेक, कैलकुलेशन की स्पीड, ये सभी आपको ध्यान में रखनी है, आपको इन्हीं पर ही वर्क करना है। तो नोटबुक जब प्रिपेयर करोगे, देखो जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे क्वेश्चंस को तो काफ़ी स्पीड कम आएगी, उस टाइम मत सोचना कि भी स्पीड अभी से ही आ जाए। जब आप क्वेश्चंस को 2 से 3 टाइम्स कर लोगे, सबसे पहले आपको बुक को ही 2 से 3 टाइम्स करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार किया क्वेश्चन, आपने सोचा कि हाँ इसको मैंने जैसे भी किया देख कर, बिना देखे और इधर उधर से, और आपने सोचा कि बस ये हो गया। नहीं, जब आपने नोटबुक को किया और उसके बाद जब आप उसको 2 से 3 टाइम्स, अब 2 से 3 टाइम्स हम कैसे रिवाइज करेंगे? तो जो भी आपके स्कूल्स के एग्ज़ाम होंगे, तो स्कूल लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जैसे हाफ ईयरली होते हैं, एनुअल होते हैं, या फिर प्री बोर्ड जो होते हैं, वो सभी, उनकी प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है जैसे बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल बोर्ड वाली प्रिपरेशन उनमें रखोगे तो आपकी ये जो नोटबुक है और आपका जो सिलेबस है वो 3 to 4 टाइम्स प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे अभी आपने यूटी दिया है, तो यूटी में जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपके जो गए हैं यूटीज, तो उसमें जो भी आपने चैप्टर्स प्रिपेयर किए हैं उनको आप अगेन प्रिपेयर करोगे जब आपके हाफ ईयरली या फिर सेकेंड यूटी अगर चलेंगे तो, सेकेंड यूटी या फिर हाफ ईयरली चलेंगे तो हाफ ईयरली में आप फिर से उसको प्रिपेयर करेंगे। फिर हमारे प्री बोर्ड्स वगैरह आ जाएंगे तो प्री बोर्ड्स में फिर से प्रिपेयर करोगे, तो आप मतलब 3 to 4 टाइम्स अपना सिलेबस कंप्लीट रिवाइज कर चुके होगे। तो इसलिए बिल्कुल फोकस रखना है आपको अपने स्कूल लेवल एग्ज़ाम पर। ऐसा मत सोचना कि भाई बोर्ड के एग्ज़ाम में ही, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में ही हम अच्छे से स्कोर करेंगे, बोर्ड के ही मार्क्स जुड़ते हैं, ये वाले मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। बच्चों के मन में यही बातें रहती हैं कि भाई उनको बता देते हैं कि भाई ये जो है आप स्कूल लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हो उनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इन पर फोकस ही नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम तो एनुअल में करेंगे, एनुअल में करेंगे, तो यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। और एनुअल में जाकर वो कर के तो आते हैं, लेकिन वो वही है कि जब आप फर्स्ट टाइम ही आप एग्ज़ाम देख रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम वाला ही वहाँ पर करोगे, वो काफ़ी मिस्टेक कर रहे होगे। आप सारी मिस्टेक आपको वहाँ पर ही मिलेगी देखने के लिए, जो मिस्टेक आपको प्री बोर्ड वगैरह में देखने के लिए मिलनी चाहिए थी वो मिस्टेक आपको सारी एग्ज़ाम में ही मिलेंगी, और वहाँ पर ही आप मिस्टेक करके आओगे और इसलिए आपके मार्क्स आएंगे नहीं। ओके, तो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है लेक्चर ये, तो अब ध्यान से सुनो। देखो काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो रहा है ये, पर फोकस के साथ इसको देखना अच्छे से, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को देख लोगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। आप हमारी बातों को अगर इग्नोर करोगे तो देखो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप यहाँ तक आ चुके हो, आपने लेक्चर यहाँ तक देखा, तो इसको आगे ज़रूर कंप्लीट देखना। हम आपकी डिमांड पर ही ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे काफ़ी यहाँ पर हमसे क्वेरी कर रहे थे कि भाई किस तरीके से सर अपनी प्रिपरेशन करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसी के बेसिस पर हमने ये लेक्चर बनाया है। अब हमारे पास देखो इतना ज़्यादा हम एडिटिंग वेडिटिंग करके इसको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। जो भी छोटी मोटी एडिटिंग हम करते हैं आपके लिए, बस हमारा फोकस आपके लिए रहता है कि भी हम आपको हेल्प कर सकें। हमें कोई बनावटी चीज़ें नहीं दिखानी कि भी हमारे पास ये है, ये एडिटिंग वो है, हम ऐसे एडिटिंग करते हैं, ऐसे ये लगा दो वो, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसके लिए सॉरी, ये भी हम आपके लिए कोई भी और लेक्चर को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं बना पाते हैं, लेकिन जितनी भी नॉलेज हमें है, जो भी हमने अभी तक सीखा है, वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि भी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बच्चों को देखा कि वो क्या मिस्टेक करते हैं। काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं, सब कुछ आता है उन्हें, लेकिन फिर भी वो 80 तक ही स्कोर कर पाते हैं, वो 90 तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो वो मिस्टेक उनकी यही रहती है कि भाई वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई लास्ट टाइम में ही कर लेंगे, लास्ट टाइम में कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप जब कभी भी क्वेश्चन कर रहे होते तो आपके पास क्या होना चाहिए। देखो अब तो सबसे पहले हमारे पास नोटबुक होना चाहिए। नोटबुक में आपके सभी जो भी क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक के, वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके उस नोटबुक में होना चाहिए, चाहे वो स्कूल की हो। ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल में जो कॉपी या फिर टेक्स्ट बुक बनती है
मीन्स नोटबुक जो बनती है उसमें नहीं कर सकते। आप अपनी स्कूल के नोटबुक में भी कर सकते हो हर एक क्वेश्चन, और उसको आप स्कूल में चेक भी करा सकते हो। काफ़ी बच्चे कहते हैं ना कि भी स्कूल में भी कराते हैं, तो आप उसी को लेकर चलो ना कि भी जो भी आपके स्कूल में नोटबुक बनाई जाती है मैथ्स के लिए, तो आप क्या करो उसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालो, लेकिन वो सॉल्यूशन आपने खुद से किए हों। ऐसा नहीं है कहीं से भी आपने देखा कॉपी पेस्ट कर दिया, वो वाला रूल नहीं चलेगा। ठीक है, उसको मत यूज़ करना, उस चीज़ को यूज़ मत करना। आप क्या करना, कभी भी आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो स्कूल के लिए कर रहे हो, उसको भी आप ऐसे करना कि आपको हर एक क्वेश्चन खुद से किया होना चाहिए, आपको वो आता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो तो कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो आप कैलकुलेटर से कर तो लोगे, आपको लगेगा भी जल्दी से करना है, हमें कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, ये तो हमें आता ही है। उससे होगा क्या कि भी आपकी कैलकुलेशन में जो होने वाली मिस्टेक है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन को फर्स्ट टाइम करते हो, जैसे आपने एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम में ही आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मिस्टेक मीन्स आप काफ़ी मिस्टेक करोगे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भी आप वहाँ पर कंप्लीट एक्यूरेसी दोगे, क्योंकि आपको हैबिट क्या पड़ रही है कैलकुलेटर की, और जब आप खुद से करोगे तो आपका मन नहीं करेगा करने का, ये भी तो होता है कि मन ही नहीं करता। लेकिन जब आप कैलकुलेशन खुद से करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बनेगी। ये स्पीड जो कैलकुलेशन में वो कैसे बनती है, जब हम खुद से करते हैं। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि भी सबसे पहले आप कैलकुलेशन के लिए क्या कर लें, कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर लें, 1 to 20 जो भी हमारे 1 to 20 नेचुरल नंबर्स हैं, इन सभी का स्क्वायर आपको आना चाहिए, इनके सभी के टेबल आपको आने चाहिए। अब टेबल मतलब मोस्टली बच्चों को बोरिंग लगता है, तो टेबल मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है टेबल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 20 तक आने ही चाहिए, लेकिन आ जाते हैं तो भाई बेस्ट है, क्योंकि आप डायरेक्ट मोस्टली जो कैलकुलेशन होती है वो 20 के टेबल्स के अराउंड ही आती हैं, तो इसलिए हम उनसे जल्दी से कर सकते हैं। वरना आप बस कैलकुलेशन की मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स याद करें कि भाई जैसे आपको 12 और 15 को मल्टीप्लाई करना, कैसे करोगे? एक तो ये तरीका कि भी आप ऐसे कर रहे हो उसको 2 5 15, या फिर एक देखो ऐसा है कि ये 12 है ये 15 है, 12 का टेबल आपको आता ही है, तो आप क्या कर सकते हो 12 को यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई, मीन्स इसको हम 10 + 5 कर सकते हैं। तो आप 12 को 10 में करोगे तो कितना आएगा, 120 + 12 5 कितने होते हैं 60, कितना आ रहा है 180। तो अगर आप इस टाइप से कैलकुलेशन करोगे तो आपकी हैबिट बनेगी, और आप काफ़ी जल्दी मीन्स बहुत ही जल्द आप कैलकुलेशन करोगे। ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप बोलोगे तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे से बताई जाएंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी कैलकुलेशन को काफ़ी कैलकुलेशन स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ये कैलकुलेशन में आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी है, तो कैलकुलेशन करनी है आपको इस टाइप से, समझ गए आप? अब देखो ये हो गया हमारे पास कि भी नोटबुक प्रिपेयर की हमने, कैलकुलेशन पर हमने फोकस किया। अब नोटबुक कंप्लीट होने के बाद क्या करें? अब बच्चे आप डाउट करते हैं कि भी नोटबुक प्रिपेयर हो चुकी है हमारी, मीन्स हमने कंप्लीट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो भी हमारी जैसे सैली नाया किसी की एवरग्रीन है, नई नई बुक्स लगा दी गई है, लेकिन हमने देखा है कि इन सभी में बेस्ट हमारी सैलीना कॉन्साइज ही है। सैलीना कॉन्साइज के क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी गुड है, तो आप अपनी बुक कर सकते हो, सैलीना को कर सकते हो, सैलीना बुक को भी कर सकते हो आप। अगर आप सैलीना नहीं आपके स्कूल में सैलीना नहीं चल रही है तो आप अपनी बुक को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से करना है। ये हो गया हमारे पास कैलकुलेशन का, हमने यहाँ पर ध्यान रखा। अब क्या करें, एक्स्ट्रा में क्या करें? अब बच्चे कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा में क्या करना चाहिए हमें, तो एक्स्ट्रा में हमें क्या करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाओ आप, और टेलीग्राम चैनल पर जो भी आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के काफ़ी प्री बोर्ड्स पेपर और काफ़ी स्कूल्स के जो प्री बोर्ड्स पेपर हैं उनको सोल्व किया है, और क्या किया है, हमारे स्पीच मैन पेपर होते हैं, स्पीच मैन पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व किया है, आप उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को, स्पीच मैन पेपर्स को और प्री बोर्ड्स पेपर को अपने आप से लगा कर देखें कि भी आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन आप कर दोगे वहाँ पर, लेकिन टाइमिंग, वहाँ पर टाइमिंग आप देखना कि आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, तो वही टाइम आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, टाइमिंग आपको मैनेज करनी है कि भी कैसे हम टाइम मैनेज करें। तो टाइम मैनेज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, कैलकुलेशन की, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। ये भी जैसे हमारे पास बी पार्ट में 7 में से, जैसे हमारे पास जो सेक्शन बी होता है क्वेश्चन पेपर में, उसमें क्या होता है 7 क्वेश्चन आते हैं, और 7 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 7 में से आपको एनी 4 करने होते हैं, आप कौन से 4 क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, ये सिलेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किस क्वेश्चन को आप लेस टाइम में कर सकते हो, कम से कम टाइम में कर सकते हो, वही इंपॉर्टेंट होता है।
ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें किसके लिए देखनी है, 100 के लिए, कि अगर हमें 100 स्कोर करना है, ठीक है, ये कर लिया। अब आप ये कर सकते हो, पी वाई के क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो पी वाई के क्वेश्चन वही होते हैं सेम, उसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप कोई भी पी वाई के क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी 10 ईयर ले सकते हो, ठीक है। तो पी वाई क्यू ले सकते हो आप कोई भी, या फिर पी वाई क्यू में ही हमारे 10 ईयर आते हैं, तो ठीक है, कोई भी 10 ईयर ले सकते हो आप, उसको सोल्व कर सकते हो। और आपको जो भी सैम्पल पेपर आपको अच्छा लगता है वो सैम्पल पेपर ले सकते हो, वरना देखो सैम्पल पेपर वगैरह की इतनी नीड नहीं होती है, सैम्पल पेपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सैम्पल पेपर के क्वेश्चन इतने एडवांस आते ही नहीं जैसे वो दे देते हैं। आप अगर अपनी नोटबुक को अच्छे से कर लेते हैं, और जो हमने प्री बोर्ड्स पेपर अपलोड किए हैं आपके लिए, प्री बोर्ड पेपर है और या फिर स्पीसमैन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको ही सोल्व कर लोगे ना आप, वही आपके लिए इनफ रहेगा। आप कोई भी सैम्पल पेपर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 ईयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही मटेरियल कर लोगे, और जो भी हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हुए हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे, क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और वही मटेरियल कर लेते हैं, तो आप 100+ स्कोर कर सकते हो आराम से, आसानी से 100 स्कोर कर सकते हो। 100+ तो नहीं कह सकते हैं, 100 ही होते हैं मैक्सिमम मार्क, ठीक है, तो 100 स्कोर कर सकते हो आप। अब ये 100 स्कोर करने की ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी, कि ये सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए 100 स्कोर करने के लिए। अब देखो ये बातें तो अलग हो गई कि भाई आपको 100 स्कोर करने के लिए ये करना चाहिए। अब इन सभी से हटकर कुछ बच्चे होते हैं, वो 100 स्कोर क्या, वो सोचते हैं कि पास हो जाए, ठीक है, वो सोचते हैं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आ जाए हमारे। तो देखो पासिंग मार्क्स लाना बहुत ईजी है, लेकिन देखा गया है कि देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, काफ़ी बच्चे, देखो सभी बच्चे पढ़ने में सही होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो क्या होते हैं, इस एज में आकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस टाइम चलता है, और बच्चों के दिमाग में पढ़ाई से ज़्यादा और इधर उधर की बातें रहती हैं, वो अपने स्टडी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जितना उनके दिमाग में बाहर की बातें चल रही होती हैं इस एज में। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, यही बच्चे को पढ़ाई से दूर ले जाता है, यही बच्चे को क्या होता है, जो उसकी बुक होती है उससे दूर ले जाता है, और प्रॉब्लम यहीं से आती है। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो 7th 8th में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन 9th 10th में आके बिल्कुल डल हो जाते हैं। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो 7th 8th में 6th में काफ़ी डल होते हैं, लेकिन वो अपने आप को 9th 10th में बिल्कुल अलग ही चेंज कर लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो सभी तुम्हारे थिंकिंग पर बेस्ड है, कि भाई आप दिन भर में क्या ज़्यादा सोचते हो, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो देखो अब आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस टेक्नोलॉजी के लाइफ में हम कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से, हमारे पास एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया है, मोबाइल फ़ोन में एंटरटेनमेंट की दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, लेकिन बच्चा पढ़ाई के अलावा मतलब ये एंटरटेनमेंट ही देखता रहता है, रील्स देखता रहता है, इन्हीं को स्क्रॉल करता रहता है, लेकिन बुक्स वगैरह से इसका ध्यान हटता जा रहा है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है ना शुरू, तो सबसे पहले आपको इस डिस्ट्रैक्शन से ही हटना होगा, ठीक है। अब इससे बचे कैसे, कैसे अपने आप को पढ़ाई की तरफ लेके आए, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने आप को शांत रखना है। शांत रखने के लिए आप क्या करो, शांत रखने के लिए आप मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालो। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कभी भी उठो ना, तो उठने के बाद थोड़ा सा क्या करो, योगा वगैरह करो। अब योगा वगैरह कोई रिलीजियस एक्सरसाइज नहीं है, ये सभी सभी के लिए होती है, ऐसा मत रखना कभी भी कि भी ये हमारे रिलीजियस के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। तो योगा वगैरह करो, या फिर जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो वो करो, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है मेडिटेशन, सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्प्रूवमेंट लाता है वो लाता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करो आप, मेडिटेशन किसका करें, जैसे भाई हिंदूज में हम क्या करते हैं, ओम वगैरह, ये जो हमारा साउंड होता है ओम वर्ड को, इसको इसकी चैंटिंग करते हैं, ठीक है, इसका गुंजन करते हैं ओम नाम का। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, आप इसको रिलीजियस के खिलाफ समझते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कोई भी आपका गॉड है, कोई भी भगवान है आपका, अपने भगवान खुदा, अपने ईश्वर को याद कर सकते हो अपने मन में,
कहने का मीन्स है कि मेडिटेशन का मीन्स है मन को शांत रखना, ठीक है, मन को शांत रखना। आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, मन बिल्कुल स्थिर था मतलब स्थिर होना चाहिए, कहीं भी भागना नहीं चाहिए, कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया उसके लिए स्टडी कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा वो कितने भी कॉपी किताब कितने भी स्ट्रेटजी फॉलो करते रहे वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें आपको भी पता है। ये सभी स्ट्रेटजी वगैरह ये सिर्फ उस बच्चे के लिए ही काम देंगी जो अपने आप पर उसका कंट्रोल है, जो अपने आप से खुद से कर सकता है, मीन्स अपने आप से स्टडी कर सकता है, अपने आप को टाइम दे सकता है। आप खुद से देखो कि आप कितना टाइम देते हो, आप कितने घंटे पढ़ते हो पूरे दिन में। तो हम मुश्किल से 2 या 3 घंटे, मुश्किल से क्या करते हैं 2 या 3 घंटे ही पढ़ पाते हैं, उतना भी नहीं पढ़ते हैं। और यही हमारी वजह होती है कि जो हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, और पढ़ने का मन करता है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा जाता है। तो ये सारा क्या है, सभी डिस्ट्रैक्शन का खेल है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेशन करनी है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। आप इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, मेडिटेशन करके देखिए, आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और जितना भी हो सके ना कम से कम बोलिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरे दिन में बोलते जा रहे हो चक्कर पकड़ चक्कर पकड़। इससे क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। जो बच्चा पढ़ता हुआ पढ़ता है ना, मीन्स कि भाई अगर आप एक विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की लाइफ एकदम कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हो अपनी लाइफ में, उल्टी सीधी बातें करते हो पूरे दिन, तो वो सभी आपके एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। आप पूरे दिन इसको फ़ोन में रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, इधर उधर की चीज़ें देख रहे हो, बेमतलब की चीज़ें देख रहे हो, ये तो ये बेकार की चीज़ें आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाती हैं, आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें, इनको हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। आपको लग रहा भी होगा और काफ़ी बच्चों ने इसको स्किप कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, सबने बंद कर दिया होगा कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं सर। तो ये बकवास नहीं है, ये सच्चाई है कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। जिसका अपने आप पर कंट्रोल है वही अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छा स्कोर कर सकता है, 100 लेके आ सकता है। वरना 100 लाना इतनी बड़ी बात नहीं है, हर कोई 100 ला सकता है, लेकिन हर कोई बच्चा 100 क्यों नहीं ला पाता है, क्योंकि उसका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। तो उसका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो वो स्टडी क्या करेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना, फॉलो करना, और आप बताना कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताना कि भाई आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई हो, अच्छी लगी हो आपको, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना ज़रूर, ठीक है। नोटबुक ज़रूर प्रिपेयर करना हमेशा, स्टार्टिंग से आपको हर एक चैप्टर करना है। आप हमारे लेक्चर से कर रहे हो या फिर कहीं पर भी कोचिंग वगैरह ले रहे हो या स्कूल से पढ़ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि भी आप हमारे लेक्चर से ही करिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको जैसे भी जहाँ से भी किसी भी चैनल से, आप किसी और चैनल से पढ़ रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, लेकिन बिल्कुल अच्छे से करें, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ें और स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करें, ओके। और अपने आप को शांत रखें, कम से कम बोलने की कोशिश करें। ज़्यादा अगर आप बोलोगे तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और आपका पढ़ाई से मन भी हटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।